दोस्तों आखिरकार मेरे पास आ चुका है Redmi का Note 7 जो कि इस फ़ोन का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था दोस्तों कि मेरे पास ये फ़ोन आए, तो फाइनली ये फ़ोन आ चुका है। तो इस फ़ोन का हम करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे कैसा रहेगा इसका डिज़ाइन और दोस्तों क्या क्या इसमें आपको खास देखने को मिल रहा है जिससे फ़ोन को बाय करना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है Redmi Note 7 का बॉक्स, आप लोग देख सकते हैं। इसके पीछे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। 6.3 इंच की आपको फुल HD का सपोर्ट देखने को मिलेगा डिस्प्ले का। इसमें आपको बैक साइड में रियर कैमरा जो है आपको 12+2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बैटरी आपको 4000 mAh की देखने को मिलेगी। प्लस में इसमें आपको टाइप सी भी देखने को मिलेगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही कमाल का फ़ोन है। चलिए जल्दी से इसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स ओपन हो गया, इसको दोस्तों साइड में रख देते हैं। ये है कुछ बिल साइड में लगा हुआ था और ये हम लोग के पास है बॉक्स। तो इसमें कुछ है, बस देखते हैं क्या है, केस है कि नहीं है। बिल्कुल इसमें होगा क्योंकि आजकल सभी कंपनियां दे रही है, तो जल्दी से देख लेते हैं। और बिल्कुल है दोस्तों, और इसमें हल्का सा लग रहा है कि ब्लैक टाइप का है, तो हाँ देख ले सकते हैं। इसमें तो पूरा ये कर सकते हैं, लूज है तो क्वालिटी काफ़ी यहाँ पर अच्छा है। चलिए इसको साइड कर देते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं सीमे टूल है यहाँ पर, इसको भी साइड कर देते हैं। और ये है दोस्तों हम लोग का Redmi Note 7। ओहो क्या दिए, ज़बरदस्त है। तो चलिए इसको भी यहाँ पे साइड रख देते हैं। बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है बॉक्स के अंदर आपको है चार्जर, जो कि है दोस्तों हाँ ये एक नॉर्मल चार्जर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा काम किया है Redmi ने, आप लोग देख सकते हैं ये टाइप सी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए इसको साइड कर देते हैं और इसको थोड़ा हटा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे बैक साइड में दिया है और देखने में मतलब कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरे पास है दोस्तों आखिर ब्लैक कलर, तो थोड़ा सा इस पर कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइट देख सकते हैं आप। कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, इसमें आपको बाइक साइड में देखने को मिलेगा तो स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको फ्रंट साइड में भी ये गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा 3.5 mm का जैक। नीचे के साइड में यहाँ पे स्पीकर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट का देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है। काफ़ी अच्छा है, मतलब कि कह सकते हैं कि देखने में लग रहा है। और इसको चलिए फ़ोन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें कैमरा काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, हालांकि जो सेल्फी है इसमें आप भी आपको 13 MP का ही देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको Realme 3 में देखने को मिलता है। इसमें भी आपको दो रैम देखने को मिलते हैं, जो कि पहला रहता है 3 GB RAM और 32 GB, और दूसरा जो रहेगा 4 GB RAM और 64 GB मेमोरी। जो पहला वेरियंट है इसका प्राइस रखा गया आपको 9,999 रुपया जो 3 GB वाले वेरियंट है, और जो सेकंड वेरियंट है उसका प्राइस रखा गया 11,999 रुपया। ये भी आपको एंड्रॉइड पाई पे ही रन करता है और इसमें बैटरी भी 4000 mAh की मिलती है, तो काफ़ी यहाँ पे मतलब कर सकते हैं कि अच्छी है। और स्टार्ट हो जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट हो गया है फाइनली। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटा सा एक नॉच है जिसको हम लोग वाटर ड्रॉप नॉच भी बोलते हैं, बाकी सारी कंपनियाँ तो बहुत कुछ बोल रही है। तो जल्दी से सेटिंग कर लेते हैं फ़ोन को। तो दोस्तों हम फाइनली इसको सेटिंग कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, और फीलिंग भी दोस्तों काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। जो ग्लास फ़ोन होता है पकड़ने में काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। इसमें एक कैमरा सेल्फी लेते हैं दोस्तों और देखते हैं कैसा आ रहा है। तो चलिए एक सेल्फी लिए हैं और देखते हैं कैसा आया है सेल्फी, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग इसको थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं। तो AI सेल्फी यहाँ पे कैमरा है, तो AI का काफ़ी काम किया है। सेल्फी आप लोग देख सकते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी नाइट में जैसे लिए हैं तो थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि लाइटिंग की कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। किधर से भी देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे आप लोग खुद देख सकते हैं। चलिए इसका हम फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं कैसा काम कर रहा है जल्दी से। और देखिए लॉक है और इसको हम इसको टच करते हैं, मतलब कुछ टाइम लगा मुझे दोस्तों। देखते हैं एक बार फिर, लॉक है, सही है, सही है, लॉक की लॉक है, टच है, सही है। फेस अनलॉक देख लेते हैं और सामने है, कुछ टाइम लग रहा है, एक बार और देखते हैं, कुछ टाइम लग रहा है दोस्तों, यानी लॉक स्क्रीन हमको दिखाई दे रहा है, जो कि Realme 3 में हमको दिखाई नहीं दे रहा था। Realme 3 का जो अनबॉक्सिंग किया उसको भी देख सकते हैं, उसमें दोस्तों एकदम बिल्कुल लॉक स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं बिल्कुल आपको लॉक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उसके बाद खुल रहा है। देखिए कितना भी मैं नज़दीक कर रहा हूँ, हाँ कुछ टाइम ले रहा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर लॉक है और इस सामने कर रहे हैं, कुछ टाइम ले रहा है।
जो कि हमको Realme 3 में बिल्कुल स्क्रीन दिखाई नहीं दिया, लॉक स्क्रीन, तो बहुत जल्दी खुल गया था। इसमें दोस्तों एक और कमी है, मैं आपको नहीं बताया हूँ, देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको डेडिकेटेड जो है सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप इसमें अगर देखें हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और दो सिम लगाएंगे तो भैया आप इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। इस फ़ोन की जो कमी है बस मुझे यही लग रही है। और दोस्तों मैं Realme 3 का भी अनबॉक्सिंग किया हूँ, आप चाहें तो जाकर वीडियोस देख सकते हैं, और इन दोनों फ़ोन का मैं कंपेरिजन भी किया हूँ। मान लीजिए आप इन दोनों में से कोई सोच रहे हैं कि दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें आप गेमिंग भी आराम से खेल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, टाइप सी भी है, बहुत कुछ, मतलब ओवरऑल बहुत ही कमाल का फ़ोन है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर लाइक भी नहीं किए तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।